यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई मेरा GTA 5 का फोल्डर। तो गाइस ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो GTA 5 फोल्डर है, GTA 5 का जो गेम प्ले है ये ऑफलाइन मोड का है, तो इसके अंदर मॉड डालना ज़रूरी है गाइस। मॉड एक ऐसी चीज़ है जिस इसके अंदर से GTA 5 खेलने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिसकी वजह से अगर बिना मॉड के तो यार GTA 5 कुछ है ही नहीं, समझ लो। GTA ऑनलाइन के अंदर जो ऐसी चीज़ होती है जो हम GTA 5 ऑफलाइन को मॉड्स के ज़रिए वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को मेरा फोल्डर बताने वाला हूँ भाई। देखो गाइस मेरा फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे ऐड ऑन पेट्स होता है। ऐड ऑन पेट्स मतलब सुपरमैन का या फिर कोई भी एक कैरेक्टर का जो पेट का जो है जो होता है पेट सेलेक्शन हो जाता है उसको इसके ज़रिए से होता है, ऐड ऑन पेट होता है। और ये बाकी मेरे फोल्डर्स है गाइस, यहाँ पे एक मॉड्स का फोल्डर होता है, ये रहा मॉड्स का फोल्डर। इसके अंदर ये मतलब बेसिकली ये अपडेट और RPF का एक फाइल होता है, वो फाइल के अंदर ये सारे उसका मतलब जो ओरिजिनल अपडेट और RPF की जो फाइल होती है ये उसी का कॉपी होता है। तो मतलब ये इसके अंदर मॉड्स के फोल्डर के अंदर कॉपी करना पड़ता है। अभी कल के दिन अपने को अगर से मॉड को निकालना पड़ेगा तो अपन सीधा अपडेट और RPF को डिलीट कर दिए तो वो चले जाते मॉड्स, मतलब उससे गेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सीन होता है भाई मॉड्स का। टेक्नो गेमर जो है जो भी चीज़ें बनाता है भाई वो भी ऐसे ही मतलब ये मॉड्स के ज़रिए ही बनाता है, मतलब डिफ़ॉल्टली। वो तो GTA 5 के अंदर ऐसे ऐसे मिशंस नहीं होते जो मतलब जो वो बताता है वो सारे मॉड्स के ज़रिए होते हैं। और गाइस हाँ, और एक चीज़ है, और यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि है OpenFour। OpenFour वो सॉफ्टवेयर है गाइस, रुको एक सेकेंड में बताता हूँ OpenFour क्या है। तो गाइस ये है OpenFour, इसके अंदर आपको कोई भी GTA का मॉड होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैकेज इंस्टॉलर, तो यहाँ से मतलब अपने को जाना पड़ेगा गूगल के अंदर। जाने के बाद GTA 5 मॉड्स करके एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी जो के मतलब मॉडिफायर्स जो है जो मॉडिफिकेशन बनाते हैं उनके तरफ से ये वेबसाइट होती है, मतलब उसके अंदर जो अपलोड करते हैं वो लोग ये वेबसाइट के अंदर जो भी मॉडिफायर्स है GTA 5 के मॉडिफायर जैसे कि हेल्प मॉड हो गया, सुपरमैन मॉड हो गया, ये लोग वो वाले मॉड्स बनाते हैं वो साइट में अपलोड कर देते हैं और वहाँ से अपने को डाउनलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद OIV इंस्टॉलर करके एक फ़ाइल होती है, उसको हम यहाँ से ऐसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करने को बोलता है अपने को। चाहे अपन मॉड्स फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट GTA फोल्डर में, वो मॉड के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो ऐसे करके अपन लोग ये मॉड को इंस्टॉल कर देते हैं। मॉड को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट गेम ओपन करना है, उसके बाद उसके नीचे जो कंट्रोल्स होते हैं कंट्रोल्स के हिसाब से हमें वो मतलब मॉड को चलाना होता है। तो यही है गाइस आज का वीडियो। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, शेयर करो गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। सपोर्ट करो यार, तुम लोग का सपोर्ट से ही मैं आगे जा पाऊँगा यार, सपोर्ट नहीं करें आप लोग, सपोर्ट करो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, थैंक यू।